गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम। जैसे कि आप सबको पता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर और कुछ अलाइड पोस्टें और भी निकली हुई हैं, जिसके लिए हमारे ज्ञानम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज मैं आपको एक डेमो क्लास, हमने बैच रिसेंटली शुरू करना है तो आज मैं आपको एक फर्स्ट डेमो क्लास देना चाहता हूं, जिसके अंदर हम टैक्सेशन पार्ट कवर करेंगे, जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और साथ ही इंडस्ट्रियल लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्रियल लॉ। देखो कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये इंडस्ट्रियल लॉ, 40 मार्क्स का ये जो मैं आज टॉपिक की बात कर रहा हूं, दिस कैरीज अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स इंडस्ट्रियल लॉ। और आपको पता है गवर्नमेंट ने 3 लेबर कोड्स, न्यू लेबर कोड्स, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर कोड नए चेंज कर दिए हैं और जितने भी पुराने इंडस्ट्रियल लॉज हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं एंड ऑल आर इफेक्टिव, सारे पार्लियामेंट के अंदर पास हो चुके हैं, सबकी इंप्लीमेंटेशन शुरू होगी, सबके रूल्स, रेगुलेशंस, एनेक्टमेंट्स पूरे तैयार हैं कोड्स के और वो कोड आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, 3 लेबर कोड्स, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर कोड। ये सारे कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन कोड्स को एग्जाम में पूछा जाएगा, तभी उन्होंने आपको ये वाला सिलेबस फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल लॉज एंड लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। साथ ही साथ कस्टम्स, जीएसटी, एक्साइज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एनेक्टमेंट्स और साथ ही साथ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालिसिस, ये सारे टॉपिक्स भी इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी रिसेंटली पीछे एक ईपीएफओ का पेपर, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड का पेपर भी ऑर्गेनाइज की डेट आई थी, वो कोविड-19 के कारण उसे भी थोड़ा डिले कर दिया गया, उसके अंदर भी सारे लेबर कोड्स और इंडस्ट्रियल लॉज का सिलेबस इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज मैं आपको एक फर्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपने इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक लेके आना चाहता हूं। आई एम विकास गोयल और मैं ज्ञानम के पास एक सीनियर फैकल्टी मेंबर की तरह पिछले 5 to 6 ईयर से एसोसिएट हूं। जो हमारा जीएसटी है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दिस इज आर जीएसटी, फर्स्ट जुलाई 2017 से वन नेशन वन टैक्स, दिस वॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी इन इंडिया, वन नेशन वन टैक्स। पूरे हिंदुस्तान में एक देश है और एक ही टैक्स सिस्टम होना चाहिए, मल्टीपल टैक्सेस नहीं होने चाहिए, उससे बेसिकली लॉस इंडस्ट्री को भी है और कंज्यूमर को भी है, सारे टैक्सेस का बर्डन कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है और उन टैक्सेस की कंप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को करना पड़ता है। और यही रीजन था कि इवेजन ऑफ टैक्स बहुत होता था, उन एनेक्टमेंट्स की
कंप्लायंस करना बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस था, जिसके कारण लोगों ने, ट्रेडर्स ने, होलसेलर्स ने, रिटेलर्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने, जो पूरी अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उन्होंने इवेजन का प्रोसेस अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा थी, मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम्स थे, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कितने सारे टैक्स अट्रैक्ट हो रहे थे, और हर एनेक्टमेंट की अपनी फॉर्मेलिटीज थी, अपनी कंप्लायंसेस थी, अपनी पेनल्टीज थी, अपनी प्रोसिक्यूशंस थी। बड़ा मुश्किल था उनको कंप्लाई करना। सब अपने अपने तरीके से रिटर्न्स फाइल करवाते थे, उनकी ड्यू डेट्स अलग अलग थी, एक्साइज में अलग सिस्टम था, सर्विस टैक्स में अलग था, कस्टम्स में अलग था, पेमेंट करने का वे अलग था, तो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड में हिंड्रेंस थी ये, और सारे टैक्सेस का बर्डन उठा के कंज्यूमर्स के ऊपर डल जाता था। तो गवर्नमेंट को लगा कि जब हमारा कंट्री एक है तो टैक्स भी यूनिफॉर्म और एक ही तरह का होना चाहिए, स्टेट टू स्टेट अलग अलग टैक्स नहीं होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड है। पंजाब का कोई भी ट्रेडर हरियाणा में भी अपना सामान सेल कर सके, सेम टैक्स सिस्टम हो, वैट जैसे वैल्यू एडिड टैक्स पहले था वैसा कॉम्प्लिकेशन ना हो कि स्टेट टू स्टेट वैट के रेट्स अलग अलग थे, पंजाब का ट्रेडर हिमाचल में नहीं जा सकता, हिमाचल का हरियाणा में नहीं जा सकता, हरियाणा का यूटी में नहीं जा सकता, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब पूरे हिंदुस्तान में एक ही टैक्स रेट सिस्टम बना दिया, अगर एक प्रोडक्ट हरियाणा में उस पर अगर 5% टैक्स रेट है तो हिमाचल में भी 5% टैक्स रेट है। ये नहीं है कि हिमाचल में किसी प्रोडक्ट का रेट अलग होगा, हरियाणा में अलग होगा, पंजाब में अलग होगा, नो, यूनिफॉर्म है। ठीक है, प्रोडक्ट की रेट्स की स्लैब्स अलग अलग बना दी कि 0% वाले भी हैं, 3% वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं, 12 वाले भी हैं, 18 वाले भी हैं, 28 वाले भी हैं, कंपोजिशन सेस भी है, लेकिन स्टेट टू स्टेट तो नहीं वेरी कर रहा ना, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, तो स्टेट टू स्टेट वो सेम रहेगा, तो इससे बड़ा अच्छा फ्लो ऑफ ट्रेड बनता है। आई एम अ ट्रेडर इन अ यूटी, चंडीगढ़ में हूं, आई कैन सेल माई प्रोडक्ट इन पंजाब, मेरे पास मोहाली एरिया है, मेरे बड़ी मुश्किल से 7-8-10 किलोमीटर है, तो मैं वहां जाके भी अपना सामान बेच सकता हूं क्योंकि टैक्स सिस्टम सेम है। मैं पंचकुला हरियाणा है, मेरे ट्राई सिटी के साथ ही, मेरे चंडीगढ़ के साथ ही लगा हुआ है, मैं वहां भी सामान बेच सकता हूं, वहां के ट्रेडर यहां भी आ सकते हैं और कस्टमर को अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि हेल्दी कंपटीशन होगा, आपस में ट्रेडर्स का कंपटीशन होगा तो डिस्काउंट पॉलिसीज होंगी, हेल्दी कंपटीशन होंगे, परफेक्ट कंपटीशन होगा मार्केट के अंदर, और ट्रेडर्स अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज कंज्यूमर्स को देंगे और कंज्यूमर उनसे बेनिफिटेड होंगे, मोनोपोली नहीं होगी, परफेक्ट कंपटीशन होगा, मार्केट प्राइस मेकर्स होंगी। तो ये जो जीएसटी का ऑब्जेक्टिव था, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम बनाने का था, और 1 जुलाई 2017 को होल ऑफ द इंडिया के अंदर जीएसटी ने तकरीबन ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुछ हैं अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सबस्यूम्ड इनटू अ कॉमन टैक्स सिस्टम नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गवर्नमेंट ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 पास किया, यूटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017 दूसरा एक्ट पास किया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 पास किया, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 चार एनेक्टमेंट पास किए, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, दीज वर द फोर एनेक्टमेंट विच वर पास्ड, एंड सारे इंडिया में एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया। ओल्ड सिस्टम क्या कहता था? ओल्ड सिस्टम के अंदर यह टैक्स सिस्टम था, दो टैक्सेस थे, एक था डायरेक्ट टैक्स, एक था इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करने के लिए सीबीडीटी था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम था, सीबीईसी। ये बिफोर 2017 की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर बेसिकली इनकम टैक्स आता था, कॉरपोरेट टैक्स आ जाता था, इसके अंदर सेंट्रल लेवल के अलग टैक्सेस थे और स्टेट लेवल के अलग टैक्सेस थे। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 था, सेंट्रल सेल टैक्स था 1956, सर्विस टैक्स था, कस्टम्स स्टेट लेवल पर मेन वैट था, ऑक्ट्राय था मेनली, इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, ये तो है ही है। अब इस डायरेक्ट टैक्स को तो अभी भी नहीं छेड़ा, डायरेक्ट टैक्स को यहां तक अभी भी नहीं इसको टच किया। डायरेक्ट टैक्स वैसे का वैसे ही है, और जो ये इनडायरेक्ट टैक्स था डायरेक्ट टैक्स को छेड़ा नहीं, जो इनडायरेक्ट टैक्स था एक्साइज, सीएसटी, सर्विस टैक्स, पार्शियल कस्टम भी, पार्शियल थोड़ा पार्ट, वैट, ऑक्ट्राय, ये सारे सब्स्यूम करके एक कॉमन बना दिया जीएसटी। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिन पर अभी भी एक्साइज और वैट लगता है, जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, कुछ ऐसे प्रोडक्ट को अभी भी एक्साइज एंड वैट के नीचे ही रखा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट को मैक्सिमम रेवेन्यू इनसे ही आता था। रेस्ट एक्साइज, सीएसटी, वैट, ऑक्ट्राय सारे सब्स्यूम करके जीएसटी के अंदर डाल दिया। पार्शली कस्टम है, लेकिन काफी पार्ट कस्टम का, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी है बीसीडी, लेकिन उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी जो कि एक्साइज की जगह लगाई जाती थी, जब स्पेशल एडिशनल ड्यूटी सैड कहते थे उसे, वो सारे सब्स्यूम करके जीएसटी में डल गए। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी है और आईजीएसटी भी है, तो ये न्यू टैक्स सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने। डायरेक्ट टैक्सेस आज भी, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, उसे छेड़ते नहीं, वो भी आज भी सीबीडीटी उसे कंट्रोल करता है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सारे सब्स्यूम करके जीएसटी बना दिया, प्लस पार्शली कस्टम है, प्लस कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर अभी भी एक्साइज और वैट है, और इसको रेगुलेट करने के लिए सीबीआईसी बना दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, क्योंकि एक्साइज खत्म ही हो चुका प्रैक्टिकली, कॉन्स्टिट्यूशन की सारी प्रोविजंस को चेंज कर दिया। तो ये ब्रॉड व्यू था गवर्नमेंट का, कि जिसमें जीएसटी को इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। 1 जुलाई 2017 से इन्होंने इस टैक्स सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अब दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स विच इज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स विच इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स रेगुलेट करता है, जिसके अंदर जीएसटी प्लस जीएसटी है, प्लस पार्शली कस्टम ड्यूटी है, प्लस कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पर अभी भी एक्साइज एंड वैट एप्लीकेबल है। तो ये एक ब्रॉड, एक सिंपल मैंने आपको एक फीचर बताया है जीएसटी का। नेक्स्ट क्लास के अंदर यूट्यूब पर ही मैं आपको जीएसटी के नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, सप्लाई क्या होता है, उसके बारे में कवर करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।